की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपियों ने फरियादी पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया, जिसके बाद उसे राहगीरों ने देखा और डायल 100 को सूचना देकर उसे अस्पताल भिजवाया। दरअसल ये पूरी घटना खजराना इलाके की है, जहां देवीलाल परसिया निवासी निरंजनपुर घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिसमें देवीलाल के सर, कमर और हाथ में चोट के निशान थे, जिस पर से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद पूछताछ में ये पता चला कि उस पर हमला हुआ है, जिसमें बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें 10,000 रुपये और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लूट की घटना को अंजाम दिया खजराना में, थाना खजराना में एक लूट की वारदात हुई है, जिसमें कि जो होटल है, जो मैरियट होटल है, मैरियट होटल के पास से एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, थक कर वो बैठा हुआ था, तभी चार व्यक्ति आए, अज्ञात व्यक्ति आए, उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और पत्थर से उसको चोट पहुँचाई और उसके बाद उसका मोबाइल छीन लिया गया और 10,000 रुपये उससे छीन लिया गया। 10,000 रुपये थाना खजराना में लूट की धाराओं में और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया, इन्वेस्टिगेशन लिया गया है और इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, इसमें आइडेंटिफाई किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है, इसमें क्राइम ब्रांच भी काम कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों से पति पत्नी सहित 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने लाखों रुपए की हीरोइन सहित चरस बरामद की है। चारों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर में आगामी चुनाव को देखते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं ताजा मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच ने विजयनगर क्षेत्र में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें एक दंपत्ति शामिल है। आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में शामिल थे। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वो राजस्थान से सस्ते दाम पर ड्रग खरीदकर ऊंचे दामों पर शहर में सप्लाई करते थे। आरोपी ने लंबे समय से ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। आरोपियों के तार राजस्थान के तस्करों से जुड़े हैं। आरोपी फोन पर ऑर्डर देते थे। पुलिस ने तीनों को विजयनगर क्षेत्र से ही 60 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक आरोपी नसुनी भगत नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 4 किलो चरस बरामद हुई है। आरोपी बिहार से चरस लाकर प्रदेश के कई शहरों में खपाता था। अब तक की कार्यवाही में पुलिस ने 25 से 30 लाख रुपए की ड्रग बरामद की है। ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लोग लगातार जो है नशे के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं और इसके अलावा जो है आगामी चुनाव के मद्देनज़र भी ये पूरा प्रयास है कि नशे के कारण जो है कोई भी मतदान प्रभावित ना हो और कोई भी मतदाता जो है उसके चंगुल में ना फंसे, तो उसके मद्देनज़र भी जो है लगातार नशे के व्यापार पे उनके जो विक्रेता हैं उन पर कड़ी जो है उस पर नज़र रखी जा रही है। इसमें जो है एक व्यक्ति पकड़ा गया है नथुनी भगत नाम से, ये जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और ये यहाँ पर पकड़ा गया है राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के साथ में। इससे लगभग 4 किलो चरस बरामद की गई है। इसने नेटवर्क बताया है कि रक्सौल जिला जो बिहार का है वहाँ से काफ़ी मात्रा में चरस जो है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है और वो जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वहाँ से सप्लाई हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के सिपाही भी चुनावी रैलियों पर मोर्चा खोल बैठे हैं। इसी के तहत भाजपा ने कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल 12 अक्टूबर को जबलपुर के मंडल में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चों को 500 से 1500 रुपए देने की घोषणा, साथ ही साथ 1 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाने का भी मंच से ऐलान कर दिया था। इस बयान के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग दिल्ली में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा के पंकज वाधवानी के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता को किसी प्रकार के लुभावने वादे या घोषणा करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उनकी ओर से लिखित शिकायत चुनाव आयोग दिल्ली को बयान की वीडियो क्लिप के साथ उपलब्ध कराई गई है और तमाम मीडिया प्रशासन के प्रसारण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस आधार पर चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने को हैं और जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और जनप्रतिनिधित्व कानून जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इस कानून के अंतर्गत क्लियर कट कहा गया है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हो तो कोई इसी किसी भी प्रकार की इसमें की घोषणाएं नहीं की जा सकती है जो रुपए बांटने से संबंधित हो। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने
मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणा है और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्वाचन सदन में, और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी गई है।